वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू ऑल, आई होप दैट यू ऑल आर वेल। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की T10 सीरीज का हमारा सेशन बच्चों की, जिसका टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस। तो आइए बच्चों बात करते हैं कि मैट्रिक्स में हमारे जो T10 सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से टाइप्स के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बच्चों मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं हमारे इस सीरीज में, जो कि आपके क्लास 12 या फिर JEE मेन के अकॉर्डिंगली बच्चों काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो बच्चों आइए बात करते हैं कि भाई वो सारे क्वेश्चंस क्या है बच्चों, मैट्रिक्स पे आपके कौन सी बेसिक कंडीशंस पे आप लोग के जो क्वेश्चंस है बेटा वो आ सकते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं हमारे इस मैट्रिसेस जो टॉपिक है बेटा हमारा या फिर जो चैप्टर है बच्चों, उसके अंदर आप लोग को कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा इसका पहला क्वेश्चन। तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है बच्चों, उसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और बच्चों साथ में आपके पास गिवन है ए स्क्वायर, देन बच्चों आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए भैया, आपको निकालना क्या है सर, हमको निकालना है एक्स एंड वाई। तो भैया एक्स एंड वाई निकालना है, ठीक है सर। तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों कि ए स्क्वायर को आप जानते हो क्या लिख सकते हो आप, ए इंटू ए। तो भाई आपके पास जो मैट्रिक्स ए है बेटा उसकी वैल्यू तो है, तो सर अगर इसकी वैल्यू है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सर इसकी वैल्यू हमारे पास ए बी बी एंड ए, तो आइए बच्चों हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब बच्चों वैल्यू पुट करने के बाद आपका वर्क सिर्फ इतना है बेटा कि आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो बच्चों ए का ए से मल्टीप्लाई क्या हो गया बेटा ए स्क्वायर, फिर बच्चों क्या आता है प्लस बेटा बी का बी से मल्टीप्लाई क्या आ गया बी स्क्वायर, देन बच्चों ए का मल्टीप्लाई बी से ए बी, देन बच्चों प्लस फिर बेटा बी का मल्टीप्लाई ए से, इसका मतलब बेटा यहाँ भी क्या आ गया ए बी। अब बच्चों उसके बाद वैसे हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों बी का मल्टीप्लाई किससे होगा ए से, फिर ए का मल्टीप्लाई होगा बी से, इसका मतलब बच्चों आपके पास यहाँ पर भी क्या आ रहा है बी ए एंड ए बी। फिर बच्चों उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा बी का मल्टीप्लाई बी से मतलब बी स्क्वायर, और ए का मल्टीप्लाई ए से मतलब ए स्क्वायर, मतलब बच्चों बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा इस प्रकार से आपने क्या पाया है कि भैया ए स्क्वायर बच्चों आप लोग के पास क्या मिल रहा है आपको, सर जी हमको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, टू ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बच्चों साथ ही आप लोग को ए स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है बेटा, जो कि क्या है एक्स वाई एंड वाई एक्स। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हो कि यदि बच्चों मैं इनके रिस्पेक्टिव टर्म्स को यहां पे कंपेयर करता हूं, तो बच्चों मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिल रही होगी माय डियर, मेरा एक्स हो रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बच्चों वाई क्या हो रहा होगा मेरा टू ए बी। तो बच्चों इस प्रकार से आपने क्या पाया कि भैया हमारे एक्स और वाई के मान तो आ चुके हैं। तो बच्चों आप लोग का मान क्या आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही होगा। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए बच्चों देखते हैं इसके बाद हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर टू। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर टू जो आप लोग के पास गिवन है बेटा, मैं इस पे आऊंगा लास्ट में, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं अभी कुछ और मतलब बेसिक क्वेश्चंस। बच्चों हम बेसिक क्वेश्चंस देखने के बाद बेटा जो ये क्वेश्चन है हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं पहले थर्ड। तो बेटा थर्ड आप लोग को यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, थर्ड आपके पास गिवन है कि भैया एक मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स जीरो वन एंड वाई, देन बच्चों क्या है माइनस टू माइनस फोर माइनस थ्री एंड माइनस फोर इज इक्वल्स टू बेटा आपके पास है थ्री फाइव सिक्स एंड थ्री, देन बच्चों क्या है टू वन टू वन। आइए बच्चों हम लोग इसे माइनस करते हैं। तो बेटा आप अगर माइनस करोगे तो बच्चों x माइनस क्या आएगा आपके पास टू, जीरो माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया प्लस मतलब फोर, वन माइनस माइनस मतलब बच्चों प्लस, मतलब वन प्लस थ्री आप लोग का होने वाला है फोर। ओके बेटा मान लीजिए कि मैंने लिख दिया फोर। फिर बेटा आप लोग के पास है y माइनस माइनस मतलब जो आप लोग का हो गया प्लस, तो बच्चों y प्लस फोर आएगा। यहाँ पर माय डियर आप लोग के पास क्या आने वाला है थ्री माइनस टू इट मीन्स वन, देन बच्चों फाइव माइनस वन मीन्स फोर, देन सिक्स माइनस टू मीन्स फोर एंड देन थ्री माइनस वन मीन्स टू। तो बच्चों आप लोग को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने इनके रिस्पेक्टिव टर्म्स को कंपेयर किया है। बच्चों आपने पाया कि सर जी यहाँ पर फोर यहाँ पर फोर, सर जी ये टर्म्स तो हमारे सेम आए हैं, इसका मतलब बच्चों साफ है कि आपके x माइनस टू किसके बराबर होंगे भाई वन के बराबर, और बच्चों y प्लस फोर आपका बराबर होगा टू के। तो बेटा यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि सर जी हमारा x इज इक्वल टू क्या आने वाला है थ्री, एंड देन y इज इक्वल टू बच्चों आप लोग का आने वाला है माइनस
टू। तो बच्चों आइए चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। भैया एक्स कितना है 3 बच्चों, वाई कितना है 2, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए बच्चों बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, इस क्वेश्चन पे भी मैं बाद में आऊंगा। बच्चों ये क्वेश्चन पे बाद में आने का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ ज्यादा है, क्योंकि बच्चों इनमें काफी सारी चीजों का इंक्लूजन है बेटा। तो इसका मतलब साफ है बच्चों कि ये क्वेश्चंस पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा देखिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा है कि भैया आपको यहाँ पे कुछ गिवन है। बच्चों क्या गिवन है आइए बात करते हैं। तो बच्चों आप लोग को गिवन है कि भैया ए बी इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, बी ए। अब बच्चों आप लोग को बी तो निकालना है, तो बच्चों हमने क्या किया कि बी को कुछ अज्यूम कर लिया पहले कि भैया ए बी सी डी है, क्योंकि बच्चों आपके पास तो बी है ही नहीं, तो भैया हमको तो निकालना है ना यार, हम तो निकालेंगे। तो भैया आपके पास जो कंडीशंस दी है बच्चों, उस कंडीशन का यूज करते हैं हम लोग। तो भैया कंडीशन आपको दे रखी है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, और बच्चों ए आप लोग के पास क्या है बेटा 1 1 0 एंड 1। बच्चों बी क्या है आप लोग के पास ए बी सी एंड डी। बच्चों राइट साइड में बात करोगे तो ए बी सी एंड डी, देन बच्चों 1 1 0 एंड 1। ओके बच्चों दिस इज योर गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों आइए हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा क्या आएगा, 1 का ए से मल्टीप्लाई बच्चों ए, बच्चों सी का ए मतलब 1 से मल्टीप्लाई तो सी, मतलब बच्चों यहाँ क्या मिला आपको ए प्लस सी। बच्चों उसी प्रकार से आपको यहाँ क्या मिलेगा बच्चों बी प्लस डी, देन बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ओनली सी, बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ओनली डी। तो बेटा उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई किया होगा, तो बच्चों ए बी को आपने मल्टीप्लाई किया किससे 1 एंड 0 से, तो बच्चों आप लोग को क्या मिला ओनली एंड ओनली ए। ओके बच्चों आप लोग को मिला है ओनली एंड ओनली ए। बच्चों यार ये एक्स वाई कैसे आएंगे, इन्होंने ऑप्शन कैसे दिए हैं यार ये। अब बेटा ये ऑप्शन में एक्स और वाई कैसे है, रुको बच्चों मैं एक बार चेक कर लूँ ये ऑप्शन इन्होंने कैसे बनाए हैं। तो यार ऑप्शन में एक्स और वाई हम ला देंगे क्या ऐसे ही। हाँ बेटा मेरा ध्यान अभी गया यार ऑप्शंस पे, क्योंकि बच्चों ऑप्शंस आपको बनाने हैं यार, तो ऑप्शन में एक्स और वाई कैसे आ जाएगा जब क्वेश्चन में एक्स और वाई है ही नहीं तो। हाँ बेटा अच्छा जी ओके जी ओके ओके ओके। देखो बच्चों आपको ना क्या करना है, अच्छा अच्छा अब मैं समझा बच्चों इसकी बात, कोई बात नहीं बच्चों आइए हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चों हम लोग क्या करो ना फिर आप लोग बेटा यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिए कि भाई ऐसा मत कीजिए बच्चों, क्योंकि आपको x और y तो मिलेंगे नहीं यहाँ से। बच्चों आपको अगर x और y नहीं मिलेंगे तो सर जी क्या करें। तो बच्चों कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग बच्चों ऑप्शंस के थ्रू जाओ। ठीक है बेटा आप लोग क्या करो ऑप्शंस के थ्रू जाओ। तो बच्चों हमने चूज किया ऑप्शन नंबर ए, तो भैया ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास बी दिया हुआ है जो कि बेटा क्या है एक्स एक्स एंड वाई जीरो। तो बच्चों इसके लिए हम लोग चेक करते हैं ए बी, तो भैया ए आप लोग के पास है 1 1 0 1, तो भैया बी आपने क्या चूज किया एक्स एक्स वाई एंड जीरो। तो आइए बच्चों देखते हैं ये क्या मिलेगा। भैया 1 1 किया आपने, क्या मिला बताओ फटाफट से बोलना है बेटा, एक्स प्लस वाई आना है क्या, देन बच्चों क्या आएगा ओनली एक्स आएगा, फिर बच्चों ओनली वाई आएगा, फिर बच्चों आप लोग के पास जीरो आएगा। आइए बच्चों फिर निकालते हैं बी ए, और बच्चों अगर आपका ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया बच्चों इसका मतलब साफ होगा कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके बच्चों तो इस प्रकार से आपको ट्रायल मेथड यूज करनी है। तो बच्चों एक्स का 1 से हुआ होगा बेटा, आपको एक्स मिला होगा। बच्चों देखो यहीं से क्लियर हो गया है कि फर्स्ट एलिमेंट ही आप लोग को यहाँ पे सेम नहीं मिला है, तो बच्चों इसका मतलब साफ है कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए तो सही होना नहीं है। बच्चों फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, बच्चों ये 1 हो गया, यहाँ बेटा क्या आएगा 2x या वाई, देन बच्चों यहाँ पे 2y। तो बच्चों आपने यहाँ पर क्या पाया है, आपने पाया है कि सर जी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो भैया आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। आइए बच्चों बात करते हैं फिर ऑप्शन नंबर बी की। ओके बच्चों देखिए बेटा ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है एक्स वाई जीरो एंड एक्स है बच्चों,
आइए बच्चों, हम निकालते हैं पहले ए बी। तो भैया ए बी क्या है आप लोग के पास? 1001। और बच्चों ये क्या है? एक्स वाई जीरो एंड एक्स। बच्चों आइए हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा। बच्चों मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों बहुत ही सिंपल सा है। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स, ठीक है बेटा। यहाँ से आएगा वाई प्लस एक्स। बच्चों यहीं से देखो, अब हम लोग को अब चीजें पता लगनी शुरू हो गई है कि हाँ सर जी, हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से डील कर सकते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे क्या आएगा? जीरो, जीरो बेटा। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स। अब आइए बच्चों हम लोग यहाँ पे निकालते हैं बी ए। तो बच्चों बी आप लोग के पास है एक्स वाई जीरो एक्स। बच्चों ये क्या है आप लोग के पास? 1 1 0 एंड 1। आइए बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया, हमको मिल गया एक्स। ओके सर जी। बच्चों हमने यहाँ पर किया तो मिल गया एक्स प्लस वाई। वेरी गुड जी। फिर बच्चों हमने यहाँ पे किया तो जीरो जीरो। यस सर। फिर बच्चों यहाँ पे किया तो जीरो एंड एक्स। यस माई डियर, वी हैव गॉट द आंसर। बच्चों यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू क्या है? बी ए है। भैया खुशखबरी आपको मिल चुकी है कि भैया आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो चुका है। बच्चों आपको इसके आगे नहीं जाना है, ओके बेटा, क्योंकि ये आपके होते हैं एमसीक्यू विथ ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। तो बच्चों एक ऑप्शन हमारा सही हो चुका है, वी डोंट हैव टू गो ऑन द अदर ऑप्शंस, ओके बेटा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है आप लोग के पास बेटा, इसमें आप लोग को फिर क्या करना है? बच्चों आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और बच्चों आप लोग के पास एक इक्वेशन दी है। अब बच्चों आप लोग को निकालनी है k की वैल्यू। तो बच्चों इक्वेशन तो दी है, पर बच्चों सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा? इक्वेशन तो बाद में करोगे बेटा, आप पहले क्या निकालोगे? ए स्क्वायर। तो बच्चों ए स्क्वायर क्या होता है आपका? ए इंटू ए। बेटा ए आपके पास क्या है? 1 3 3 4। आइए बच्चों निकालते हैं पहले हम लोग ए स्क्वायर। तो बच्चों आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा, बोलो क्या आएगा? 1 का 1 से किया 1 3 का 3 से किया तो 9। 1 का 3 से किया 3 3 का 4 से किया तो 12। फिर 3 का 1 से किया 4 का 3 से किया 3 का 3 से किया 4 का 4 से किया। क्या बच्चों सही है? 1 and 9, ओके। देन 1 and 3 3 12 3 1 and then 4 12, ओके 9 and 16, ओके बड़ा सही है। आइए बच्चों बात करते हैं हमें कि ए स्क्वायर क्या मिला। बच्चों यहाँ मिलेगा आपको 10, यहाँ बेटा 15 ना बेटा? हाँ 15 सही है बेटा। यहाँ पे आपको मिला 15, और बच्चों यहाँ पे आएगा आप लोग 25। तो बच्चों ये आप लोग का हो गया ए स्क्वायर। अब बच्चों आते हैं हमारी इक्वेशन पे। तो बेटा इक्वेशन है आप लोग के पास ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस 5y इज इक्वल टू ओ। तो बेटा ए स्क्वायर तो आपको मिल चुका है, जो क्या है बच्चों आप लोग का 10 15 15 और 25। फिर क्या है बच्चों? माइनस के एंड ए। बच्चों ए क्या है? 1 3 3 एंड 4। देन बच्चों माइनस 5। बच्चों आई क्या है? 1 0 0 एंड 1। बच्चों यहाँ पर क्या है? ओ का मतलब होता है 0 0 0। आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर के हमें निकालना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है? 10 10। बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस के। और बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 5। बच्चों मैं सभी मैट्रिक्स के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट्स को एड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? 15 15 माइनस 3 के। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 0। फिर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 15 माइनस 3 के। बच्चों यहाँ पे क्या है? 0, ठीक है ना। फिर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 25 माइनस 4 के माइनस 5, ओके बच्चों। अब आप लोग क्या कीजिए, सिंपली बच्चों आप किसी एक एलिमेंट को कंपेयर करके आप बच्चों के निकाल लीजिए। बच्चों आपका सभी एलिमेंट को कंपेयर करने से के सेम आएगा। बच्चों हम कंपेयर करते हैं सेकंड एलिमेंट। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिल रहा है? 3k = 15, मतलब बच्चों k इज इक्वल टू क्या आ गया है? 5। भैया ऑप्शन में है क्या? हाँ सर ऑप्शन में है। तो मतलब बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है। और बच्चों किसी और ऑप्शन से भी आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे कि बच्चों मानिए यहाँ पर देखते हैं भैया 10 - k - 5 = 0, मतलब बच्चों k = 5 ही मिलने वाला है। बच्चों आपको सभी ऑप्शन से k की वैल्यू सेम मिलेगी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दिया है 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं। तो आइए बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आप लोग किस प्रकार से करते हो। तो बच्चों यहाँ आप लोग के पास है 1 x and 1, ओके बच्चों। उसके बाद हमारे पास है 1 3 2 0 5 1 0 3 and 2, एंड देन बच्चों आपके पास है 1 1 एंड x = O।
अब बच्चों आइए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं और बताते हैं कि भैया क्या आने वाला है। तो बच्चों देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आप लोग के पास? आप बोलोगे सर जी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3। इसका बच्चों क्या है ऑर्डर? बच्चों इसका ऑर्डर है आप लोग का 3x1। तो बच्चों 3x3 और 3x1 का आप अगर मल्टीप्लाई करते हो बेटा, तो आप लोग को ऑर्डर क्या मिलने वाला है बच्चों? 3x1। ओके बच्चों, इससे आप लोग का ऑर्डर क्या आएगा? 3x1। मतलब आपने बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया है, तो बच्चों जो भी ऑर्डर आप लोग को मिलेगा मैट्रिक्स का, वो बच्चों आप लोग का यही ऑर्डर में होगा। इसका मतलब बच्चों आप लोग को यहाँ मिलेगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 3 का किया 1 से 3, यहाँ बच्चों 2x, फिर बेटा क्या आएगा 0, 5 एंड x, देन बच्चों 0, 3 एंड 2x, देन बच्चों यहाँ पे क्या है आपके पास O। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या मिल रहा है आप लोग को, 1x एंड 1, देन बच्चों यहाँ पे क्या है आप लोग के पास 4+2x, 5+x, 3+2x इक्वल्स टू O। आइए बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1x3, बच्चों यहाँ पर ऑर्डर क्या है 3x1, मतलब बच्चों ये इससे कैंसिल, तो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आने वाला है बच्चों 1x1 का मतलब होता है बच्चों एक सिंगल एलिमेंट। बच्चों सिंगल एलिमेंट का मतलब होता है सिर्फ एक इक्वेशन मिलेगी बच्चों। तो 1 का मल्टीप्लाई किया आपने, क्या मिल गया बच्चों आपको 4+2x, बच्चों आपने x को मल्टीप्लाई किया 5x+x2, फिर बच्चों आपने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3+2x = 0। बच्चों हमें क्या मिला है x² + 2x 5x 2x, मतलब बच्चों 9x। फिर बेटा आप लोग के पास क्या मिला है 4+3, मतलब बेटा आप लोग के पास आ गया 7। बच्चों आपको ये इक्वेशन का आंसर देना है। आप लोग जानते हो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, -b + -√d/2a। बच्चों इसका d क्या मिलेगा आइए बात करते हैं। तो बच्चों d आप लोग जानते हो क्या होता है, b² - 4ac। बच्चों b क्या है यहाँ पे 9, मतलब बेटा 81, 4ac मतलब बच्चों 4 × 7 = 28। बच्चों यहाँ पर आपने पाया है कि भैया हमें d क्या मिलने वाला है। सर जी बताइए बच्चों हमें d क्या मिलेगा? बच्चों हमें d मिलेगा आई थिंक 3 और बच्चों 5, मतलब बेटा आप लोग का d आ गया है 53। बच्चों b आप लोग का क्या है -9, यहाँ पर +√53/2a मतलब 2। बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ कि बेटा यहाँ पर आप लोग के पास एक कंडीशन गिवन है कि a × at = i है। बच्चों आप लोग के पास ये मैट्रिक्स दिया है, तो भैया आपको x, y, z की वैल्यू ज्ञात करनी है। आइए बच्चों बात करते हैं इसके लिए। तो बच्चों हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है बेटा यहाँ पे देखिए a × at = क्या है बेटा, i है। भैया a आप लोग के पास क्या है, 0 है, 2y है, z है, x है, y है, -z है। बच्चों फिर क्या है, x − y and z। बच्चों at क्या होगा इसका? बच्चों आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे, तो बच्चों यहां आपको मिलेगा 0xx, 2yy एंड -y, देन बच्चों z − z and z इज इक्वल टू बेटा क्या है, i है। तो बच्चों i क्या होता है आप लोग का 100 010 001। आइए बच्चों हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं और बच्चों टर्म्स को अपने कंपेयर करते हैं, देन बच्चों हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो बच्चों 0 का मल्टीप्लाई किया 0, 2y 2y, 4y², देन बच्चों z × z z², फिर बच्चों क्या आने वाला है 0, 2y², देन बच्चों -z², फिर बच्चों क्या मिलने वाला है 0, -2y², फिर बच्चों क्या मिलेगा आप लोग को z². उसी प्रकार से बच्चों बाकी टर्म्स भी हमारे पास, तो बच्चों क्या मिलने वाला है आप लोग को 0, फिर बच्चों क्या मिलेगा 2y², फिर बेटा -z², फिर बच्चों x का मल्टीप्लाई किया तो x², फिर बेटा y², देन बच्चों आपके पास क्या आने वाला है +z², फिर बच्चों यहां मल्टीप्लाई किए तो x², देन बेटा -y², फिर बच्चों आप लोग के पास आएगा -z², फिर बच्चों क्या आएगा x का मल्टीप्लाई 0, बच्चों यहां पे क्या आया -2y²
देन बच्चों मिलेगा आप लोग को जेड स्क्वायर। फिर बेटा आप लोग को दिख रहा होगा कि सर जी हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर सर जी मिलेगा हमको माइनस जेड स्क्वायर। फिर बच्चों उसी प्रकार से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर एंड देन बच्चों क्या आएगा आपका पॉजिटिव वाई स्क्वायर एंड देन माय डियर प्लस जेड स्क्वायर। अब बच्चों ये किसके इक्वल है, ये आप लोग का बेटा इक्वल है 100001 के। आइए बच्चों हम लोग हमारे टर्म्स को यहाँ पे कंपेयर करके हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखिए मैंने क्या किया, बच्चों मैंने सेकेंड टर्म को पहले कंपेयर किया बच्चों, क्योंकि मुझे मेरा क्वेश्चन ईजी करना है ना कि डिफिकल्ट करना है। तो बच्चों मैंने सेकेंड टर्म को अगर कंपेयर किया तो मुझे क्या मिलेगा 2y² - z² = 0। मतलब बच्चों मुझे मिल चुका है z² = क्या है 2y² है। बच्चों मुझे मिल चुका है कि z² = क्या है 2y². अब बच्चों मैंने उसी प्रकार से क्या किया फिर से, अब बच्चों मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है कि भैया हमारे पास x के टर्म्स कहाँ है बेटा। तो बच्चों हमने चेक किया कि सर जी हमारे पास x के टर्म ये रहे, बच्चों हमने पाया कि हमारे पास x² + y² + z² = क्या है 1 है। ओके बेटा हमारे पास ये क्या है 1 है। अब बच्चों उसी प्रकार से हमें कुछ और मिला है क्या, अब बोलोगे हाँ सर जी हमको मिला है। तो बच्चों वो क्या मिला है आप लोग को, आइए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों ये आप लोग को मिलने वाला है 0 और बच्चों ये क्या है आप लोग का x² - y² - z² = 0। बच्चों अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ बेटा, मैं अगर बच्चों ये दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो बताइए मेरे पास क्या आएगा। आप बोलोगे सर जी ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब सर जी क्या आ रहा है 2x² = 1। मतलब सर जी हमको x² = क्या मिला है 1/2, मतलब सर जी x की वैल्यू आ चुकी है ±1/√2। बच्चों आप लोग के पास x की वैल्यू आ चुकी है ±1/√2। ठीक है बेटा, आइए अब निकालते हैं बेटा y और z की वैल्यू। तो बच्चों हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, बच्चों इक्वेशंस को यूज करके आप लोग को आंसर मिलने वाला है, अदरवाइज बच्चों काफी दिक्कत होगी। तो बच्चों देखते हैं आप लोग के पास एक इक्वेशन मिली है कि भैया x² + y² + z² = क्या है बच्चों 1, और बच्चों आपने बताया है कि भैया z² क्या है 2y². तो बच्चों आइए रखते हैं बच्चों x² का मान आप लोग के पास है 1/2 और भैया z² क्या है 2y². तो बच्चों आप लोग को दिख रहा है कि 3y² = क्या मिल रहा है 1 - 1/2, मतलब बेटा 1/2। तो बच्चों y² क्या आ रहा है 1/6, मतलब बच्चों आप लोग के y की वैल्यू आ चुकी है ±1/√6। और बच्चों आपको पता है कि सर जी z² क्या है 2y², तो बच्चों y² का मान है आप लोग के पास 1/6, तो बच्चों z आप लोग को मिलने वाला है ±√1/3। बच्चों आप लोग को क्या मिल गया है यहाँ पर माय डियर, आपको z मिल गया है ±1/√3। तो बच्चों आपको क्या सारी वैल्यू मिल चुकी है, आप बोलोगे हाँ सर मिल चुकी है। बच्चों क्या मिल रहा है 163 का फॉर्म आ रहा है बच्चों, तो 163 का फॉर्म कहाँ है बेटा आप लोग का 263, मतलब बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। बच्चों ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही होगा। तो माय डियर आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल पे। तो बच्चों बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर ए की। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए आप लोग का क्या होगा, तो बच्चों आप लोग को एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है बच्चों, उसका ऑर्डर आप लोग को नहीं पता, पर बच्चों मैं मतलब मान लेता हूँ कि उसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे m क्रॉस n। बच्चों ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है आप लोग को बच्चों 2 क्रॉस 3। अब बच्चों ये मैट्रिक्स में आपको पता होता है कि सर जी ये इक्वल होते हैं, तो भैया ये मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड हो गया सर जी क्या होगा, ये m क्रॉस 2 होगा। अब बच्चों आपको बोला है कि इनका प्रोडक्ट करने पे आपको जो मैट्रिक्स मिला है बच्चों वो क्या है 3 क्रॉस 3। इसका मतलब बच्चों साफ है कि अगर आपको 3 क्रॉस 3 मिला है तो बच्चों आपको m को क्या होना पड़ेगा 3। इसका मतलब बच्चों हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया है 3 क्रॉस 2। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, देखो बताओ मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा। बच्चों आप बोल सकते हो सर जी बी और सी तो नहीं आएगा, क्योंकि सर जी यहाँ पर ऑर्डर हमारे 3 क्रॉस 2 नहीं है, या है बच्चों ये है बच्चों, आपके ए और डी नहीं आएंगे बच्चों, आपके बी और सी में से एक आंसर आ सकता है। तो आइए बच्चों बात करते हैं कि ये दोनों में से कौन सा सही होगा। तो बच्चों देखिए फटाफट से बच्चों क्या है, मैं आप लोग को होमवर्क दे सकता हूँ बच्चों। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा काम है, आप लोग क्या कीजिए बेटा, आप लोग पहले अज्यूम कर लीजिए कि आपका एक मैट्रिक्स है बच्चों, इसका ऑर्डर आपने क्या डिसाइड किया है 3 क्रॉस 2 है। तो बच्चों हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है भैया कि ए बी सी
डी ई एफ ए बी सी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। या फिर बच्चों आप लोग क्या कीजिए, उससे अच्छा काम है बच्चों कि आप लोग ये मैट्रिक्स को यहाँ पर रखिए बच्चों, ऑप्शन के थ्रू आप लोग बोलिए कि सर जी आंसर क्या आएगा। देखिए बच्चों मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी, बच्चों ऑप्शन नंबर बी के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, 5 है, 1 है, -3 है, -2 है, 0 है, 4 है। बच्चों यहाँ पर मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, 1, -2, -5, 3, 4 एंड 0। आइए बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, बच्चों क्या आएगा 5। यहाँ बच्चों आप लोग के पास क्या आएगा, -6। क्या बच्चों आया, -1। हाँ बच्चों -1 आया है। फिर बेटा आपने मल्टीप्लाई किया -10। फिर बच्चों क्या आएगा, -8। बच्चों क्या आएगा, -18। बेटा सही है क्या, कैसे मल्टीप्लाई करते हो बच्चों आप लोग, ऐसे तो करते हो, इसका मतलब बच्चों ये सही नहीं जा रहा है। बच्चों अगर मैं इससे करूंगा तो 2 × 1 = 2 + 3। बच्चों ये तो और सही नहीं आ रहा। बच्चों यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है क्या इन लोगों से टाइपिंग की, क्योंकि बच्चों -8 आना चाहिए पर क्या आ रहा है, -18। 5 मल्टीप्लाई किया 5 सही है बेटा, -6 ठीक है, 5 माइनस, बच्चों आइए आगे देखते हैं। 5 को मल्टीप्लाई किया बच्चों आप लोगों ने, -25 आने वाला है। फिर बेटा आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 1 का किया तो 1 से 1, 0 किया तो 0, 1 से किया तो -2, देन बच्चों 0, 1 - 5 किया बच्चों ये आया आपका 0, देन बच्चों क्या आएगा, -3 + 12, देन बच्चों आपका आएगा 6 + 16, देन बच्चों 15। बच्चों आई थिंक हो सकता है कि यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, क्योंकि बच्चों ऑप्शन नंबर सी से आप लोग की एक भी वैल्यू नहीं बनेगी, पर बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग के काफी ऑप्शन बन रहे है। इसका मतलब बच्चों हो सकता है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि बच्चों अदरवाइज तो आप लोग का आंसर आ गया होता। ठीक है बेटा, आप लोग बच्चों देख सकते हो कि आपको बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो सेम मिले सिवाय इन दोनों के, तो बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी ही सही हो रहा होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं इसके बाद का सवाल। देखो बच्चों इसके बाद का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास बच्चों जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी वैल्यू आप लोग क्या बोलिएगा। बच्चों आप जानते हो cos 2π/3 क्या होता है, -1/2। बच्चों साइन 2π/3 क्या होता है आप लोग का, भैया √3/2। मतलब बच्चों ये क्या हो गया आपका, -√3/2। बच्चों यहाँ पर आपका √3/2, बच्चों यहाँ पर आप लोग के पास -1/2। तो बच्चों अब आप लोग को सिर्फ ये करना है, क्या निकालना है बच्चों, पहले आप निकालोगे a² a * a से, फिर बच्चों आप लोग क्या निकालोगे, a³। वो बच्चों आप लोग का आएगा a² * a से। बच्चों आप लोग के पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में देता हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, कोई और डिफिकल्ट बात नहीं है। आइए बच्चों देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन बाकी थे, ठीक है बेटा आइए उनकी बात करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आप लोग के दो यहाँ पे क्वेश्चंस बाकी हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं पहले ये क्वेश्चंस। तो बेटा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि भैया आप लोग के पास क्या क्या है, सर जी cos स्क्वायर अल्फा है, सर जी हमारे पास है cos स्क्वायर अल्फा, देन बच्चों क्या है, देखो बेटा मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि लिखा हुआ है फिर लिखेंगे बच्चों टाइम जाएगा, और बच्चों इसके बाद दूसरे फैकल्टी की भी क्लास है तो हमें बच्चों फटाफट से खत्म करना है। तो बच्चों cos स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे इससे बच्चों क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। बच्चों उसी प्रकार से क्या आएगा आप लोग के पास, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस cos अल्फा sin अल्फा, बच्चों इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ, sin बीटा एंड cos बीटा से। बच्चों उसी प्रकार से आपने फिर मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आप लोग को मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा sin बीटा एंड cos बीटा, फिर बच्चों आपने मल्टीप्लाई किया तो प्लस के साथ आएगा आप लोग के पास cos अल्फा साइन अल्फा एंड बच्चों साइन स्क्वायर बीटा। ओके बच्चों ये आप लोग को मिलने वाला है। उसी प्रकार से माय डियर आप लोग को सेकंड रो में क्या मिलेगा, आप बोलिएगा सर जी कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई किया हमने, सर जी कॉस अल्फा साइन, यार इन्होंने फिर से टाइपिंग मिस्टेक की है क्या, हाँ बच्चों यहां पर स्क्वायर नहीं आएगा, बड़े यहाँ पे आप लोग का स्क्वायर नहीं आएगा। तो बच्चों cos अल्फा sin अल्फा को आप लोग पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, cos स्क्वायर बच्चों sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा से, फिर बच्चों आप लोग के पास क्या आने वाला है
साइन स्क्वायर अल्फा को बच्चों आप लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, फिर साइन बीटा एंड कॉस बीटा से। बच्चों आप लोग इसे जब सही से लिख के करोगे ना तो बच्चों आपको मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर बच्चों हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो को इससे, तो बच्चों आप लोग के पास क्या आना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, बच्चों उसके बाद क्या आएगा, साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या आना है आप लोग के पास, बच्चों क्या आएगा, बच्चों सेकंड रो को, हाँ ठीक है बेटा, आप लोग के पास आएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं बेटा, अब राइट साइड में क्या है बच्चों आप लोग के पास, जीरो मैट्रिक्स है बच्चों, राइट में आप लोग के पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। आइए बच्चों यहाँ पे हम लोग कॉमन करते हैं, देखो बच्चों कॉमन आप लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, बच्चों आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को कॉमन मिलने वाला है कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए क्या बचने वाला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके बेटा, यही तो बचेगा आप लोग के पास ब्रैकेट में। बच्चों उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप लोग को कॉमन क्या मिल रहा है, आप लोग सर जी कॉमन मिल रहा है हम लोग को कॉस अल्फा आएगा, नहीं है सर जी साइन बीटा है, हाँ सर जी वो भी नहीं है बच्चों, साइन अल्फा है कॉस बीटा है। बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आप लोग का, साइन अल्फा एंड कॉस बीटा। बच्चों देखो यहाँ पे क्या बचेगा आप लोग के पास, बच्चों साइन अल्फा कॉमन आया है, ठीक है सर, कॉस कॉमन आया मतलब बच्चों कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। ओके बेटा, फिर आप लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, बच्चों आपने कॉमन लिया है साइन अल्फा मतलब बचेगा साइन अल्फा, फिर बच्चों आपने कॉमन लिया कॉस मतलब बचेगा आप लोग के पास साइन बीटा। बच्चों उसी प्रकार से आप यहाँ पे चेक करोगे तो बच्चों आप लोग को यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, फिर आप लोग का वर्क ये होता है कि आप लोग एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करते हो। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट की, देखो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा है, और बच्चों यहाँ पर आपने पाया है कि सर जी हमें क्या मिल रहा है, सर जी हमें मिल रहा है यहाँ पे एक फॉर्मूला। बच्चों फॉर्मूला आपको देखिए क्या मिलेगा, बच्चों मैंने खाली इसका फर्स्ट टर्म लिया है, बच्चों फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ कि बच्चों ये टर्म आप लोग के जीरो नहीं होंगे, अदरवाइज बच्चों ये आप लोग का क्वेश्चन ही पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि बोला है बच्चों अल्फा एंड बीटा आर नॉट द मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। बच्चों अगर ये पाई बाय टू के मल्टीपल हो जाएंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, जीरो, बच्चों ये भी क्या बन जाएगा, जीरो, पर ऐसा नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब साफ है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा को जीरो होना पड़ेगा, वरना बच्चों इसका मान जीरो नहीं आएगा। तो बच्चों अल्फा माइनस बीटा आपका जीरो कब होगा, बच्चों जब ये क्या होगा आपका 2n प्लस 1 पाई बाय 2, मतलब बच्चों जब आपको कॉस का चाहिए हो जीरो तो बच्चों पाई बाय 2 आता है तभी क्या आता है जीरो, और बच्चों पाई बाय 2 के लिए भी क्या आना चाहिए, बच्चों आना चाहिए पाई बाय 2 आना चाहिए, फिर आना चाहिए 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, मतलब बच्चों ऑड मल्टीपल आने चाहिए। तो बच्चों उसके अकॉर्डिंग आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बच्चों बात करते हैं एक और सवाल की। तो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या दिया है भैया, हमारे पास दिया है कि भैया ए का इनवर्स ये है, बच्चों अगर ये इनवर्स है तो हमको निकालना है अल्फा का मान। तो बच्चों इनवर्स कैसे निकालते हैं, बच्चों हम लोग पहले क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स का एडजॉइंट। बच्चों मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे आता है, देखिए बच्चों आप लोग इसको पूरा सॉल्व करते हो इसके माइनर और बच्चों कोफैक्टर से, तो भैया माइनर कोफैक्टर आई थिंक आप लोग को आता ही होगा बच्चों। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। बच्चों पहला एलिमेंट लोगे, पहले एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ोगे तो क्या बचेगा बच्चा, ये बचेगा। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3, मतलब बच्चों क्या आएगा 4। फिर बेटा आप लोग लेते हो माइनस 1, बच्चों इसकी रो छोड़ोगे कॉलम छोड़ोगे तो क्या मिलेगा 2 1, और माइनस 3 1, बच्चों क्या मिलेगा 2, देन बच्चों क्या आएगा प्लस 3, मतलब बेटा आप लोग का यहाँ पे क्या आने वाला है 5। पर बच्चों ये 5 आप यहाँ नहीं लिखते हो, कहाँ लिखते हो, यहाँ लिखते हो, और बच्चों एडजॉइंट के कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं बच्चों, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं। तो बच्चों यहाँ होता है प्लस मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों यहाँ क्या होता है माइनस, तो बच्चों जो भी आंसर आएगा हम वहां पर माइनस लेंगे। फिर बच्चों आप इस पे आओगे तो बच्चों इसके लिए आपको ये मिलेंगे, तो बच्चों क्या होगा 2 into 1 2 minus 1 मतलब 1, बच्चों यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या है प्लस, तो सर जी यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस। अब बच्चों आपको ये एलिमेंट चाहिए ना, तो बच्चों आपने क्या देखा कि सर जी मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया इससे तो हमको ये मिल रहा है, तो सर अगर मुझे ये वाले एलिमेंट चाहिए, सर जी अगर मुझे ये वाले एलिमेंट चाहिए तो सर मुझे किससे मिलेंगे, सर मुझे इससे मिलेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप रो कॉलम छोड़िए और बात करिए, तो बच्चों इसके लिए करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है बेटा, इसके लिए करोगे ना
तो बच्चा इसका क्या है, इसके एलिमेंट है बेटा आपके ये रहे, ये और ये। तो बच्चों आइए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, 1-3 मतलब बेटा -3 और 2 और 1 मतलब बच्चों -2 मतलब बच्चों आप लोग को क्या मिल रहा है -5। बेटा यहाँ पे साइन क्या होता है आप लोग का माइनस, तो बच्चों ये वाला एलिमेंट आप लोग का क्या बन गया है 5। बच्चों मैंने सारे एलिमेंट सॉल्व नहीं किए, बच्चों मुझे जिसकी नीड थी मैंने उसको पकड़ा, उसको उठाया और बच्चों वो एलिमेंट ज्ञात किया। तो बच्चों ए इनवर्स क्या होता है आपको पता है सर जी, 1/ A, और बच्चों फिर से क्या आता है एडजॉइंट। तो बच्चों एडजॉइंट में यहाँ का एलिमेंट आप लोग को मिला है 5, और बच्चों आप इसका डेट निकालोगे तो बच्चों ये आप लोग को गिवन है कि भैया डेट क्या आने वाला है, 10 ही आएगा। ओके बेटा 10 ही आएगा, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे अल्फा आप लोग का क्या होने वाला है 5। तो बेटा आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो माय डियर इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चों इस प्रकार से आप लोग इसे होमवर्क में अपने हिसाब से पूरे एलिमेंट्स निकाल के भी डील कर सकते हो। बच्चों मैंने आप लोग को शॉर्टकट से बताया है कि हाँ भैया हमको जो नीड है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बच्चों क्योंकि आपको MCQ में शॉर्टकट से ही जाना है, बच्चों हमको अपना टाइम बचाना है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म होता है, और बच्चों मैं अब आपसे यहाँ पर बच्चों विदा लेता हूँ, और बच्चों हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार से हमारी कल की क्लास में, जो कि बच्चों रोज होती है 12 बजे, और बच्चों हम मिलेंगे आपसे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।